अंदाज बेखौफ जुबान मेवात आज तक। पुनाना विधानसभा क्षेत्र के शहर पिनंगवा के सभी हेल्थ क्लब के नौजवान युवाओं ने जोरदार समर्थन दिया नौक्षम चौधरी को। नाना विधानसभा क्षेत्र के शहर पिनंगवा की युवाओं की डिमांड बढ़ी। युवा चाहते हैं कि नौक्षम चौधरी को चुनाव में जिताया जाए। आइए आपको दिखाते हैं पिनंगवा शहर के चौक चौराहे नुक्कड़ चौपाल घरों में जबरदस्त तरीके से महिलाओं ने भी किया नौक्षम चौधरी का समर्थन। ऐसा पहली बार देखने को मिला है मेवात की धरती पर। हिंदू हो या मुस्लिम, जब महिलाएं घरों से बाहर निकलकर किसी लीडर का अपने हाथों से जबरदस्त स्वागत कर रही हैं। नौक्षम चौधरी ने भी दिया महिलाओं को उनकी सुरक्षा का आश्वासन, युवाओं से किया रोजगार और नौकरी का वादा। ये देखिए पिनंगवा शहर की वादियों में नौक्षम चौधरी को फूलों से ढक दिया, मालाओं से ढक दिया। जबरदस्त समर्थन को देखकर नौक्षम चौधरी को जगह जगह पर मिल रहा है बड़ा समर्थन। इसे देखकर नौक्षम चौधरी के विरोधी हैं बहुत परेशान। वो सोच रहे हैं नौक्षम चौधरी यहाँ क्यों आ गई, अब तो हमारा जीतना मुश्किल है। नौक्षम चौधरी की जीत बहुत नज़दीक है। ये देखिए पिनंगवा शहर के बुजुर्ग भी माला डालने आ चुके हैं। अब से पहले महिलाएं माला डाल रही थी, लेकिन अब पिनंगवा शहर के बुजुर्ग जिनमें हिंदू और मुस्लिम सभी कास्ट के लोग हैं, जबरदस्त तरीके से फूल मालाओं से नौक्षम चौधरी का पिनंगवा शहर में स्वागत हो रहा है। पुनाना विधानसभा क्षेत्र की जनता पुराने चेहरे पुराने नेताओं से हो चुकी है परेशान। नए चेहरे और नए नेता की है जनता को तलाश। हालात ने नौक्षम चौधरी को बना दिया जनता की पहली पसंद। जनता चाहते हैं नौक्षम चौधरी को विधायक बनाना। कि आज मैं आप सब के यहाँ पर मौजूद हूँ और आपने मुझे यहाँ बुलाकर मेरा ओहदा कई गुना बढ़ा दिया है। मैं यहाँ पर मौजूद मेरे बुजुर्ग, मेरे बड़े भाई, मेरे हमसाए, मेरी माए, इतनी तादाद में मेरी बहने, मेरी बड़ी बहने, मेरी छोटी बहने, जो इतनी तादाद में मुझे समर्थन देने और मेरी इज्जत बढ़ाने आए हैं, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाकर इस इज्जत मान की अफजाई के लिए मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ और कर्जदारी रहूंगी। मैं कई साल विलायत में पड़ी हूँ, नौकरी पेशा भी रखती थी वहीं से। मेरे पिताजी ने मुझे ऊंची तालीम के लिए विदेश भेज दिया था और चाहते थे कि विदेश में अच्छी जगह कहीं अपना भविष्य बनाऊं। मैंने जब अपने पिताजी के साथ बात रखी कि 35 साल पहले आप जज बने और आपने अपने इलाके के लोगों की सेवा की, अपने लोगों की सेवा की, आज मैं विदेश ना जाकर अपने इलाके में वापस जाना चाहती हूँ, तो मेरे पिताजी कहने लगे कि ये मेरा आज सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया है। जो मेरा अपना चिराग था, अगर मेरे इलाके में जाके जलेगा तो जितने मेरे खुद के दिल के अरमान थे, ख्वाहिशात थे, मुराद थे, सब पूरी हो गई हैं। मैं एक बहुत मामूली सी लड़की हूं जी, जिसने एक हौसला किया कि अगर एक लड़की इस क्षेत्र से विदेश में जाके पढ़ सकती है तो मेरे यहां से 20 लड़कियां हर गांव से कितनी पढ़ सकती। वो क्या पता मेरे से ज्यादा होनहार हो, क्या पता मेरे से ज्यादा काबिल हो। हर किसी को एक दिशा और दशा की जरूरत है। दिशा और दशा बदलने के लिए मैं यहां आई हूं। सिर्फ एक चीज का लालच है, निस्वार्थ तो मेरी अलग बात है, एक चीज का लालच है, क्योंकि मैं यहाँ की आपकी अपनी बेटी हूँ, आपकी अपनी बहन हूँ, तो लालच किस बात का है कि जहां चलूं मेरे बड़े मुझे मार्गदर्शन करें, मुझे आशीर्वाद दें, मेरी माए मेरे सिर पर रख के मुझे दुआएं दें, मेरे हमसाए हमारे बड़े मेरे बड़े भाई मेरे साथ चले। इसके अलावा, इस प्रेम और मोहब्बत के अलावा मेरा कोई लालच नहीं है।
जिस तादाद में आज में आपने एकत्रित होकर अपनी बेटी का मान बढ़ाया है, मैं इसकी कर्जदारी हूँ। चाहे फिर वो मुझे कुछ ही करना पड़ जाए। हो सकता है कि मेरी उम्र कम है, हो सकता है कि मेरा तजुर्बा भी कम हो, पर ऐसी कोई ताकत नहीं है जो ये कह देगी कि मेरे हौसले कम हैं। मैं एक अकेली नहीं चल रही यहां पर, एक एक इंसान का नुमाइंदा के तौर पे चुनाव नहीं होएगा इस बार। आप सब नुमाइंदे हैं, आप सब ने 75 सालों से लोगों को मौके दिए हैं, बड़े बड़े नेता बनाए हैं, बड़े बड़े नेताओं के नाम निवाद से लिए जाते हैं, तो क्या एक बार आप अपनी बेटी को मौका नहीं देंगे? एक बार क्या आप एक मामूली लड़की को मौका नहीं देंगे? जरूर देंगे, जरूर देंगे। एक ईमानदारी ईमानदार से मुझे मौका दे दीजिए, कमल खिला के उस किस्म से विकास करेंगे कि हिंदुस्तान के स्तर पर मेवात की शक्ल बदल जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ, जिस तादाद में मैं सबसे पहले, आप बुरा ना मानेंगे, मैं अपनी माएं और बहनों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वो देखो किस तादाद में बैठे हैं। ये मेरे लिए ज्यादा सौभाग्य की बात है कि मेरे माएं और बहनें अपने काम को छोड़कर अपने, वो देखो मर्यादा करना चाहती हूँ जिन्होंने चार दीवारी छोड़कर अपनी बेटी को आगे बढ़ाने की हौसला किया है। फिर मैं आपका, अपने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।